लोगों ने आखिर क्यों की सैफ अली खान और करीना कपूर खान की गिरफ्तारी की मांग? आखिर कौन सी गलती पर भड़क गए यूजर्स और कहा कि पुलिस इन लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं करती? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सारा मामला क्या है। फिल बॉलीवुड के पावर कपल्स में शुमार सैफ अली खान और करीना कपूर खान पैपराजी के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। दोनों जब भी साथ में निकलते हैं तो शटरबग्स उनको अपने कैमरा में कैद करने के लिए काफी ज्यादा उतावले रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों की ड्राइविंग की एक गलती को लेकर यूजर्स ने कहा है कि आखिर पुलिस इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ लेती। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही दोनों जो हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लौटे हैं और फिलहाल अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो चुके हैं। इसी बीच दोनों संडे को एक साथ मुंबई में स्पॉट किए गए थे। करीना और सैफ पहले करिश्मा कपूर के घर गए थे और इसके बाद दोनों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहत से मिलने पहुंचे थे। वहां से जब वो दोनों निकले तो गाड़ी में उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। अब भाई सैफ अली खान और करीना कपूर खान को बाहर निकलता देख पैपराजी ने तुरंत ही अपने कैमरे में उनको कैद कर लिया, जिसका वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने करीना और सैफ को कर दिया है जमकर ट्रोल और दोनों पर भड़क गए हैं यूजर्स। वेल आपको बता दें कि सैफ और करीना जब गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, तो यही देखकर लोग हैरान रह गए हैं और वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई दोनों ने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है। फिलहाल आपको बता दें कि एक मीडिया पोर्टल ने सैफ अली खान और करीना कपूर खान का ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिस पर ताबड़तोड़ कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर ने सैफ और करीना को गाड़ी में बिना सीट बेल्ट देख लिया तो कहा कि ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही है, इनके लिए नहीं है। तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, क्या आप बॉलीवुड वाले सीट बेल्ट पहनने में यकीन नहीं रखते या फिर ये एलियंस हैं? इसी के साथ एक और यूजर ने कमेंट किया कि ये लोग सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनते, आखिर मुंबई पुलिस इन लोगों को क्यों कुछ नहीं कहती। फिर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीना और सैफ पिछले कुछ टाइम से स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे थे, तो वहां से करीना ने फैमिली के साथ अपनी बेहद प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो करीना 2022 में आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थी, तो अभी करीना ने अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है। वहीं सैफ अली खान फिल्म आदि पुरुष में नजर आने वाले हैं। फिलहाल आप लोग भी हमें दोनों के इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि जिस तरह से यूजर्स दोनों को ट्रोल कर रहे हैं और मुंबई पुलिस को भी इस बात में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो कितना सही है। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।